नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्यास, जो प्यास खूब लगती है, जलन होती है, उसे कैसे दूर करें। जी दोस्तों, कुछ लोगों को कभी कभी शिकायत आ जाती है कि कितना पानी पी लो प्यास नहीं जाती है, खूब प्यास लगती है और पानी पी पी कर पेट उनका तन जाता है, फिर भी प्यास नहीं बुझते हैं। और साथ में भी शिकायत बताते हैं कि सीने पे जलन होने लगती है, शरीर में और भी कई जगह जलन सी महसूस होती है। तो आज हम उसका उपाय जानेंगे, अपने घरेलू नुस्खे के द्वारा, नेचुरल प्राकृतिक उपचार के द्वारा हम कैसे इसे घरों में अपना प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम प्यास को ठीक करेंगे, जो अधिक प्यास लगती है उसे नॉर्मल करेंगे, जलन को ठीक करेंगे, उसके साथ साथ हमें अनेकों फायदे होते हैं। जैसे अगर व्यक्ति को थकान है तो थकान खत्म हो जाती है। इस एक नुस्खे को आजमाने से व्यक्ति की थकान बिल्कुल खत्म हो जाती है, थका हुआ महसूस नहीं करता है। इस नुस्खे के करने से बुद्धि का विकास होता है, साथ साथ कब्ज खत्म हो जाती है, गैस की समस्या नहीं बनती, अगर पीत बनती है वो पीत का नाश हो जाता है। दोस्तों, शक्तिदायक होता है ये नुस्खा, इसे करने से शरीर में शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। ये हमारा नुस्खा है अमरूद का, जो एक नेचुरल फल है अमरूद, जिसे सब खाते हैं। बस आपको खाने का तरीका बदलना है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से आप खाते हैं तो आपको इतने सारे फायदे होंगे। शक्तिदायक होगा, थकान को ख़त्म करेगा, कब्ज को ख़त्म करेगा, पीत को ठीक करेगा, गैस नहीं बनने देगा, प्यास की समस्या को ख़त्म कर देगा, जलन जो होती है उसे ठीक कर देगा तथा साथ साथ बुद्धि का विकास करेगा। जी, अमरूद के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि अमरूद में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से यह इतनी सारी समस्याओं का समाधान। देखिए, अमरूद में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, अमरूद में प्रोटीन होता है, इसमें रेशा यानी फाइबर भी होता है। इसके साथ साथ विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, अमरूद के अंदर थायमिन पाया जाता है, नाइसिन पाया जाता है, कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, इसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, मैग्नीशियम होता है। दोस्तों, अमरूद में इतने सारे विटामिन्स होते हैं, इसके साथ साथ इसमें कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है, पोटासियम भी पाया जाता है, यहाँ तक कि खून की कमी को भी पूरा किया जाता है, क्योंकि अमरूद में आयरन की मात्रा पाई जाती है, इसमें जस्ता होता है, तांबा होता है। अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी हो तो अगर इस नुस्खे को करे तो उसके खून की कमी भी पूरी हो जाती है। इस तरह से अमरूद में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जिसके जरिए अनेकों बीमारियों का समाधान हो जाता है सिर्फ एक अमरूद से। अब हम जानते हैं कि इस अमरूद का प्रयोग हम कैसे करें। दोस्तों, जैसे आप अमरूद खाते हैं ठीक वैसे खाना है। करना क्या आपको कि अमरूद काटने के बाद से ये चेक कर लेना है कि उसमें कीड़े तो नहीं है। दूसरी बात, अमरूद के बीज को निकाल देना है। जब अमरूद काटेंगे तो बीच में जो बीज होता है उसे आपको निकाल देंगे। आपको इस समस्या के समाधान के लिए, जितनी सारी समस्या मैंने बताया इस समाधान के लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको बीज नहीं खाना है, उसका बीज निकाल दीजिए। बीज निकालने के बाद से आपको जीरा पाउडर बना लेना है, जीरा का पाउडर बीज निकालने के बाद से उस अमरूद के ऊपर डाल दीजिए, उस छिड़क कर फिर उस अमरूद को आपको खाना है। अमरूद को आराम आराम से चबा चबा कर खाएंगे। अमरूद की मात्रा पूरे दिन में आप 100 से 200 ग्राम तक खा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ फायदा हो करता है तो नुकसान भी कर सकता है। इसलिए अमरूद के बीज निकालने के बाद से उस पर जीरा पाउडर डालकर आपको खाना है, और मात्रा आपको 100 से 200 ग्राम एक दिन में खाना है। अगर 100 से 200 ग्राम तक आप एक दिन में खाते हैं तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। दोस्तों, ये भी ध्यान रहे कि अमरूद जो होता है ठंडा होता है, जिससे कफ भी बढ़ता है। अगर जिनका कफ बढ़ा हुआ है या नॉर्मल भी, आप अमरूद को दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में खा सकते हैं।
अगर आप सुबह सुबह ठंड में अमरूद खाते हैं तो आपको नुकसान कर सकता है, या शाम के समय खाते हैं, रात के समय खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा। तो दोस्तों, अमरूद को काट कर कीड़े चेक कर लें, उसके बाद उसमें बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद से जीरा पाउडर यानी जीरा का पाउडर बनाकर उसे मिक्सी ओवर में बनाने के बाद से जीरा पाउडर छिड़क कर खाएंगे। मात्रा आपकी 100 ग्राम से 200 ग्राम तक खाना है। दिन में 11 बजे से 3 बजे के बीच में खाना है। साथ साथ ही आपको याद रखना है कि यह अमरूद खाने के बाद से कम 45 मिनट तक पानी नहीं पीना है। आपको पानी नहीं पीना है क्योंकि पानी पीने से आपको दिक्कत आ सकती है, जलन की समस्या घटने के बजाय बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ये एकदम आसान नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, और अमरूद के सीजन में तो आप ऐसा कर लें तो बहुत सारी बीमारियों का नाश होगा। जैसे एक तो खून की वृद्धि हो जाएगी, खून की कमी पूरी हो जाएगी, जो प्यास की समस्या होती है, जो जलन होती है, ये सब आपका ठीक हो जाएगा, कमजोरी खत्म हो जाएगी, थकान दूर हो जाएगी, शक्ति मिलेगी आपको, पेट में कब्ज नहीं रहेगा, पेट बढ़िया से साफ रहेगा, पाचन तंत्र तंदुरुस्त हो जाएगा, इसके साथ साथ गैस बनने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर इसे बच्चों को दिया जाए तो आप 100 ग्राम की मात्रा में बच्चों को दे सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा 100 ग्राम, बाकी कम आप जितना दे सकते हैं। अगर बच्चे को इसे पूरे सीजन खिलाया जाए तो उसके बुद्धि का विकास होता है और साथ साथ इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अमरूद के सीजन में आप ये नुस्खा जरूर अपनाएंगे क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है और फल तो ऐसे खाना चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स करके बतलाएं, तथा आप इसे शेयर करना ना भूलें ताकि इसका फायदा और भी लोग उठा सकें। दोस्तों, अगर इससे जुड़ी किसी और भी प्रकार की जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, मैं उसका समाधान बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।